आशीर्वाद। प्रतिदिन रात को 8:30 बजे सोने से पहले की प्रार्थना और आशीष। आशीर्वाद। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, सोने से पहले हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित करें और ईश्वर की शांति के लिए प्रार्थना करें, अच्छी नींद के लिए प्रार्थना करें। हमारी माताओं के गर्भ में हमें बनाने से पहले, रचने से पहले हमें जानने वाले हे पिता, हमारे जन्म से पहले हमें पवित्र करने वाले हे पिता, हमारी माताओं के गर्भ में हमें बुनने वाले पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए, शरीर के एक एक अंग के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। तूने हमें आंखें दी, कान दिए, बोलने की शक्ति दी, चलने की शक्ति दी, काम करने की शक्ति दी, इन सारे वरदानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सोचने के लिए शक्ति दी, बुद्धि दी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस समय अपने घर परिवार के लिए, परिवार के एक एक सदस्य के लिए, चाहे वो कितने अच्छा या बुरा हो हमारे लिए, एक एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। इस रात्रि के समय एक एक व्यक्ति को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हम इस समय स्वीकार करते हैं कि हम तेरे योग्य नहीं हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं कि तू कितना उदार है, उसमें पढ़ते हैं कि तू हमें कितना प्यार करता है, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हम कितने अयोग्य हैं, हम तेरे योग्य नहीं हैं। हमारे अंदर बहुत घृणा है, अक्षमा है, दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। हम इसके लिए तुझसे क्षमा मांगते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 के उस नाकेदार की तरह हम अपनी छाती पीट कर इस समय बोलना चाहते हैं, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हमारे हृदय के हर प्रकार के कलंक को मिटा देना पिता, हमारे हृदयों को शांति देना पिता, पाप के हर प्रकार के दाग से हमें छुटकारा देना पिता। इस समय हम तेरे हाथों में अपने किए हुए सारे कार्यों को समर्पित करते हैं। कुछ कार्य आधे अधूरे हैं, उनको भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। अपने खेत खलिहान, अपने व्यवसाय, अपना धंधा, अपने कामकाज, सब कुछ को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। सब कुछ पर अधिकार लेना, सब कुछ तेरा है, हम इस समय स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। इसयास नबी के ग्रंथ के अध्याय 6:2 में तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता है जो विनम्र है, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से तेरी वाणी सुनते हैं। ए पिता, इस समय हम स्वीकार करते हैं हम पापी हैं, हम तेरे सामने सिर झुकाते हैं, तेरी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, तेरी कृपा दृष्टि, सुरक्षा पूर्ण दृष्टि हम पर बनी रहे, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति से हमें बचा के रखना, शैतान के हर प्रकार के आक्रमण से हमें बचा के रखना, शैतान के हर प्रकार की धोखे से हमें बचा के रखना, हमारी आत्मा को शांति देना पिता, हमारी आत्मा को शांति देना। तेरे वचन में लिखा हुआ है पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। आज दिन भर में जितने लोगों से हमें चोटें मिली हैं, जिनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं था, उन सबको हम क्षमा करते हैं, उन सारी बातों को हम भुला देते हैं। हम जानते हैं कि तेरे हाथ में हमारे लिए एक नया दिन है, हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। अच्छी नींद प्रदान करना पिता,
सिर झुकाना मेरे भाई और बहनों। हे करुणामय पिता, मैं अपने भाई बहनों के लिए समय प्रार्थना करता हूं, एक एक के जीवन को समय संरक्षण देना। आज की संपूर्ण रात उनके लिए संरक्षण की रात हो, कोई अंधकार की शक्ति उनके आसपास में ना मंडराए। उन्हें अच्छे अच्छे सपने प्रदान कर, उन्हें कोई डरावने सपने ना मिले, कल सुबह वे आनंद के साथ उठ सके। मेरी इस प्रार्थना को ग्रहण करना पिता, आमीन। आशीर्वाद।